नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में, जहां अब की बार हम आ गए हैं राजकोट। ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र का बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है राजकोट, और पिछले 10 सालों में यहाँ के इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है वो ही आज राजकोट को फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया का दर्जा देती है। बिल्कुल, तो हम आपको बताएंगे कि आप एक कारोबारी हो या एक इन्वेस्टर, क्या आपको राजकोट पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह की संभावनाएं हैं यहाँ पे, कैसे ये भविष्य का एक शहर है जो कमाई के शानदार मौके हर एक कारोबारी के लिए जो यहाँ रहते हैं और जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए पेश करता है। और ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं, खासतौर पर इस शहर के रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का दारोमदार जिनके कंधों पर है। और सबसे पहले मिस्टर कोटवाल, जो कि डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर है, मेरे राइट में यहाँ पर बैठे हुए, आपको बताएंगे कि सरकार क्या कुछ कर रही है और आने वाले सालों में शहर की तस्वीर ये कैसे बदलने वाले हैं। और साथ ही मिस्टर हितेश बागड़ाई जो इनके साथ बैठे हुए हैं, जो राजकोट बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं मिस्टर मुकेश सेठ, चेयरमैन सेठ कंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पर राजकोट के रियल एस्टेट का नज़रिया हमें बताएंगे। और उसी के साथ है रश्मि भाई पटेल, एक्स वीपी क्रेडाई गुजरात। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मिस्टर कोटवाल, आपसे यहाँ शुरुआत करना चाहेंगे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक नीड होती है, ज़रूरत होती है किसी भी राज्य की। अगर हम राजकोट की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों के बाद जो है राजकोट की सड़कों का नाम आता है। लेकिन उसके अलावा हम जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं राजकोट की, तो करंट सिनेरियो क्या है और किस तरह से उसे और बेहतर बनाने को लेकर काम चल रहा है? बेसिकली देखें तो कोई भी सिटी का डेवलपमेंट होता है उस पर दो बातें निर्भर करती है। एक तो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। राजकोट में एक एडिशनल बात यह भी है कि वी हैव इनिशिएटेड ए सिटी डेवलपमेंट प्लान फॉर दैट। ये सिटी डेवलपमेंट प्लान है वो 30 साल का बनाया गया है। और कविता जी, ये 30 साल में जो हम करने वाले हैं, रफली यही कह सकते हैं कि राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 9,000 करोड़ रुपीस। सो ये हमारा प्लान है। जो अभी की जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ भी कंपेरेटिवली विथ कंपेयर टू अदर सिटीज़ काफ़ी अच्छी है। उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सके ये इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये हमारी उम्मीद रहेगी। हितेश भाई, लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप तो गुजरात के तमाम शहरों में और दूसरे शहरों में भी जाते होंगे, देखते होंगे आप एसोसिएशन की तरफ से और अपने कारोबार के सिलसिले में भी, केवल एक प्रोजेक्ट नहीं होता, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल एमिनिटीज होती हैं, सीवरेज हुआ, पीने का पानी हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई। कैसी अवेलेबिलिटी है उन एरियाज में जहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए? देखिए, राजकोट का जो नया एरिया जो डेवलप हो रहा है वो ज़्यादातर रूड़ा, जिसको कहते हैं कि राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लग के है, पर म्यूनिसिपल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से डेवलपमेंट आ रहा है, वो कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन ट्यून विद द डेवलपमेंट, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे आप देखें तो सड़कें अच्छी हैं, पर जो नए रोड्स बनने चाहिए, जो रोड नेटवर्किंग होनी चाहिए, या तो पीने का पानी जो उपलब्ध होना चाहिए, उस तरह से नहीं हुआ है। पर कोटवाल साहब ने जैसे कहा कि एक नया हम डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं और उसमें शायद ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में ये आ जानी चाहिए। यहाँ पे रोड नेटवर्किंग की बात हुई है मिस्टर कोटवाल, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आपको लगता नहीं है राजकोट में थोड़ी और कनेक्टिविटी की जरूरत है, अगर हम एयरवेज से बात करें या इवन रेल की अगर हम बात करें तो? कनेक्टिविटी की कोशिश हमारी बाकायदा चालू है। और जो आप ट्रांसपोर्टेशन की जो बात करें तो BRTS, वी आर सेकंड इन गुजरात, कि अहमदाबाद पे पहले BRTS शुरू हुआ, सेकंड है वो गुजरात में शुरू हुआ। और ऐसा कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 2,500 किलोमीटर्स रोड ओवर हियर। कनेक्टिविटी में रेल की कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने की और एयर की कनेक्टिविटी तो है ही, उसको भी इम्प्रूव करने की, वी आर कीपिंग लाइजन विद दोस ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी आर ट्राइंग फॉर दैट टू। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हितेश भाई बता रहे थे कि जो रूड़ा का एरिया है वहाँ पे क्या आपके अधिकार क्षेत्र के वो बाहर आता है? रूड़ा जो है वो ऑलटुगेदर डिफरेंट आइडेंटिटी रहती है। तो रूड़ा में भी यही सब हो रहा है,
रूड़ा का डेवलपमेंट प्लान हमारे साथ ही बनता है, पूरा जो प्लान बनता है वो डेवलपमेंट प्लान रूड़ा ही बनाती है, उसमें उन लोगों का भी प्लान पूरा इंक्लूड किया हुआ है, वो प्लान रिविजन के स्टेज पे है, देट विल बी कम्प्लीटेड विद इन फ्यू मंथ्स और सो एंड देट विल बी एग्जीक्यूटेड। BRTS के बारे में आपने कहा, लेकिन जो अभी फिलहाल जो बसेस चल रही हैं वो सिर्फ BRTS कॉरिडोर पे चल रही हैं शायद, तो शहर के अंदर ये कब से चलनी शुरू हो जाएंगी? सिटी बस विल बी आवर सेकंड प्रायोरिटी। प्रीवियसली वी हैड सिटी बसेस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, वो डिसकंटिन्यू हुई और नाउ वी आर कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू बेयर दैट रिस्पांसिबिलिटी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून। तो ये BRTS का ही एक्सटेंशन होगा या सिटी बसेस का अपना एक अलग नेटवर्क होगा? अलग नेटवर्क, डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं? नहीं नहीं, डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं रहेगा, जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है वो BRTS का पूरा हम रिंग रोड पे करने वाले हैं, उसकी राउंड अबाउट उसकी पूरी लेंथ है, देट विल बी 78 किलोमीटर्स और सो, एट प्रेजेंट वी आर रनिंग BRTS इन 10-5 किलोमीटर्स। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सिटी के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको आप दूसरे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मिस्टर सेठ, आप फिलहाल जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बढ़ने की रफ्तार आपके प्रोजेक्ट्स या आपके इंडस्ट्री में जो तमाम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी रफ्तार के साथ कितनी मैच कर रही है, और आप क्या चीज़ें हैं, क्या खासियत है उन लोगों के लिए जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप पॉइंट आउट करें कि राजकोट में कौन सी फैसिलिटी वक्त पे या वक्त से पहले अवेलेबल है? सिटी एरिया जो है राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है, वहाँ कॉरपोरेशन कंपेरेटिवली बढ़िया फैसिलिटी दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड देयर, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। जैसे बगड़े जी ने बताया कि कॉरपोरेशन की बाहर की जो लिमिट है रूरल एरिया में जो आता है वहाँ ये कमी सब महसूस कर रहे हैं, और हम ये स्टेट गवर्नमेंट से और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से यही उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें तो अच्छी बात है, तो सिटी का ग्रोथ ज़्यादा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजकोट की जो मेन दो इंडस्ट्रियल जो GIDC है वो मेटोड़ा में है, सापर में है, तो इंडस्ट्रियल मूवमेंट है वो सिटी से 15-20 किलोमीटर दूर हो रही है, इसके सिटी और इसके बीच में जो एरिया है वहाँ डेवलपमेंट अच्छा हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर रश्मि भाई जी, आप क्या कहेंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, किस तरह की सहूलियतें जो हैं वो देनी चाहिए? सी द होल टीपी स्कीम शुड बी गेट सैंक्शन इन टाइम, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, क्योंकि टाउन प्लानिंग स्कीम अगर टाइम पे सैंक्शन नहीं होती है तो पोजेशन ऑफ रोड्स एंड रोड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा आ सकती है। तो आई थिंक बिफोर we go to the place where we are going to develop the area, hamare pehle agar municipal corporation goes there, road, water supply, drainage system, wo agar wo sab laga sakte hai wahan par, to that will be more beneficial to the area. ये बात जो अभी हाल में एक रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आया तो पूरे देश में हो रही, सारे बिल्डर्स ये कह रहे थे कि उनके लिए तो डेडलाइन तय है, आप एक दिन का डिले करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं हमारी फाइल जब क्लियर करने की डेडलाइन नहीं है तो हमारा फ्लैट कैसे टाइम पे रेडी होगा। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि टीपी स्कीम जो है उसका एग्जीक्यूशन जल्दी से हो तो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी डेवलप हो सकता है। एट प्रेजेंट राजकोट में 36 टीपी स्कीम्स आर देयर, टाउन प्लानिंग स्कीम्स आर देयर, 18 आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, जो बाकी की जो 18 है उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, ड्राफ्ट अप्रूवल भी आ गया है उसका, तो ड्राफ्ट अप्रूवल एज एंड व्हेन वी गेट द ड्राफ्ट अप्रूवल हम उसके रोड्स है वो ओपन कर देते हैं, खुला कर देते हैं और रोड्स बनाने का शुरू कर देते हैं। अभी टीपी स्कीम जो पहले जो पोजीशन थी वो जल्दी सैंक्शन नहीं होती थी, वो जो इश्यूज है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड कंसर्न मिनिस्टर्स ऑल्सो एंड दे आर वेरी कीन टू एग्जीक्यूट एट अर्लीस्ट स्टेज, तो हम वो जल्दी करने वाले हैं और जल्दी हो भी जाएगी। मीन वाइज ये रोड्स है खुला करके उसके रोड के डेवलपमेंट वो सब चालू है, तो जो रश्मि भाई बता रहे हैं वो तकलीफ अब बिल्कुल नहीं रहेगी ऐसी मेरी उम्मीद है। रश्मि भाई, आप तो क्रेडाई के फोरम पे देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों के बिल्डर से इंटरेक्ट करते होंगे, ऐसा एक समझा जाता है कि गुजरात में काम की स्पीड ज्यादा है, आपको लगता है वाकई ज्यादा है, यानी सरकारी काम की स्पीड, क्या आपकी फाइल जल्दी क्लियर होती है कंपेयर टू अगर आप किसी और राज्य में? डेफिनेटली, ऐसा आपको लगता है? यस यस।
लेकिन आप इससे अभी सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगता नहीं, है सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि सी द सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों एजेंसी का, गवर्नमेंट एजेंसी एंड डेवलपर्स एजेंसी, वो अगर बेहतर होए तो डेवलपमेंट विल बी फास्टर देन दिस। और टारगेट तो बहुत है, आज आप बोलो तो राजकोट सिटी में या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप जाओ तो स्केर्सिटी ऑफ होम्स इज देयर, इट इज ट्रिमेंडस। स्टिल 60% ऑफ द पीपल आर लिविंग अंडर स्काई ओनली, और वो झुपड़पट्टी में रहते जी। तो स्कोप तो बहुत है यहाँ पर। तो ये हुई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं सेठ साहब की, किसी नए एरिया में आपने ऐसा आमतौर पे सरकार का कहना होता है कि बिल्डर पूरी बिल्डिंग प्लान करते हैं, एमिनिटीज प्लान करते हैं, गार्डन स्विमिंग पूल तो प्लान कर लेते हैं, पुलिस चौकी के लिए जगह कहाँ पे होगी, हॉस्पिटल और स्कूल बनाने के लिए जगह कहाँ पे होगी, ये प्लान नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिया में बहुत कम स्टेट ऐसे है जहाँ टाउन प्लानिंग स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, अदरवाइज बॉम्बे महाराष्ट्र जैसे स्टेट है सिर्फ डेवलपमेंट प्लान पे ही चलते हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम डिटेल में तैयार होती है, इसमें सब प्रोविजन रखते हैं ये लोग जब स्कीम प्रिपेयर करते हैं, तो स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, गार्डन के लिए, स्मशान के सब रिजर्वेशन रखते हैं। तो गुजरात में इस तरीके से जो टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार करते हैं इससे बैलेंस डेवलपमेंट होता है और सबके लिए अच्छी प्रोविजन होती है, ये मेरा मानना है। या मिस्टर कोटवाल बता पाएंगे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने किस तरह की तैयारी की है, न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी में उसको कितनी जगह मिली है? जिस तरह से मिस्टर शेख ने बताया उसी तरह से जो टीपी स्कीम्स है उसमें सभी के रिजर्वेशंस तो रहते ही है, तो वो रिजर्वेशंस तो सभी टीपी स्कीम में ऑलरेडी सभी के रखे हुए हैं। और सोशल डेवलपमेंट की एट प्रेजेंट बात करें तो एजुकेशन का भी सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी इज देयर, 16 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर देयर, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी देखे तो कितनी सारी मल्टी सर्विसेज हॉस्पिटल्स आर देयर। तो बाकी का भी डेवलपमेंट देखा जाए, हमारी जो आंगनबाड़ी होती है, स्कूल्स है, काफ़ी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, लेकिन और भी ज्यादा होगा जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ। यस, ये आपका यूएसपी हो सकता है। यस, अगर किसी को डिसाइड करना हो कि इन्वेस्ट करना है मुझे कहाँ करूँ, तो राजकोट में करना बेहतर होगा क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली प्लान्ड है, आपको सारी चीजें आसपास मिल जाएंगी। बिल्कुल, ये एक जो आप बता रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, सभी चीजें आसपास की मिल जाएगी। और दूसरे जो रियल एस्टेट के जो बेनिफिट है वो भी बेनिफिट बकायदा उन्हें मिलेंगे, ये आप कह रहे हैं जरूर, लेकिन ये आमतौर पे देखने को मिलता है कि छोटे यानी जो दूसरी लाइन के शहर होते हैं, सेकंड टियर के शहर होते हैं, उनमें फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही बड़े शहर के बराबर ना हो, पर इन दिनों वहाँ पे जो रेट है वो बड़े शहरों के साथ कॉम्पिटिशन करने लगे हैं। क्या अफोर्डेबिलिटी वाकई में एक चैलेंज है राजकोट जैसे शहर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए? इस सवाल का जवाब एक देखिए। आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया राजकोट में, और यहाँ पर हमारे साथ शहर की जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं जो खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, और इनका यह कहना है कि ये इस शहर का एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ सारी सुविधाएं हर एक प्रोजेक्ट में या उसके आसपास मिल सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उसकी प्राइसिंग भी सही है। यहाँ पे रश्मि भाई, अगर आप ये बताएं कि किराए के हिसाब से जब आप देखते हैं अफोर्डेबिलिटी को देखकर आपने कोई स्टडी की है, समझने की कोशिश की है जो शहर का इस समय डेवलपमेंट का लेवल है, उस लिहाज से प्राइसेस काफी ज्यादा है यहाँ पे, 15,000 के भी रेट चल रहे हैं। कंपेयर टू अदर सिटीज ऑफ मीन्स गुजरात, यहाँ पर रेट ज्यादा है। इसकी वजह एक ही है कि लैंड प्राइसेस आर, इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड चीपर रेट पे हो सकती है, इट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट के पास लैंड है एंड इफ दे गो टू डेवलपर्स और आप डेवलप करो तो ये चीपर रेट्स पे मिल सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल इन राजकोट। यहाँ पे लैंड प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों है आपके मुताबिक? वो इसलिए है कि जो नई टीपी स्कीम्स नहीं बनी है, साहब को भी मालूम है, इसके हिसाब से कनेक्टिविटी
जो नया एरिया है रूड़ा का, उसके साथ सिटी का कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। तो कनेक्टिविटी की वजह से ही प्राइजेस और जहां कनेक्टिविटी है वहां पे प्राइजेस ज्यादा है। कोटवाल साहब, कोई सलूशन? बात आंसर का तो सही है, पर ये दैट्स नॉट द ओनली रीजन। इसके सिवा भी देखे तो राजकोट है वो हब है पूरा सौराष्ट्र का, जहाँ पे सभी एग्रीकल्चर इनकम वो सब है यहाँ पे आती हैं। दूसरा, जो एनआरआई इन्वेस्टर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन राजकोट, और यदि देखे तो एनआरआई जो पार्क है वो फर्स्ट राजकोट में बिफोर 25 इयर्स बना था। तो दूसरी जो बातें हैं कि जो अभी सनराइज इंडस्ट्रीज जो हमारे पास है, जो इंडस्ट्रीज अभी भी फ्लरिशिंग है, द स्टेज ऑफ सनराइज ही है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसमें भी हो रहा है। तो उसकी वजह से जो पैसे आते हैं पूरे सौराष्ट्र कच्छ के एरिया से, उसके लिए एक ही सेंटर शायद राजकोट ऐसा है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी वजह से प्राइसेस हाई है, वो दैट कैन बी द सेकंड रीजन फॉर दैट। नितेश भाई, लेकिन जो एक एनआरआईज की बात कह रहे हैं कोटवाल साहब, तो इस समय ऐसा ट्रेंड थोड़ा सुनने में आ रहा है कि जब रुपया 60 के करीब आ गया है तो बहुत सारे एनआरआईज को लगता है ये सही मौका है पैसा वापस लाने का, तो ऐसे अचानक से डिमांड क्या और बढ़ी? देखिए, राजकोट में जैसे कोटवाल साहब ने बताया कि एनआरआई का इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी सालों से यहाँ पे हो रहा है, पर ये एक जो डॉलर और रुपया का जो अभी मिसमैच है, या तो रुपया बहुत घट गया है, तो मैं ये कहूँगा कि राजकोट के रियल एस्टेट के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि लोग जो एनआरआई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी उनके लिए ये ज़्यादा एट्रेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो रुपया वीक हो गया और डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी फिलहाल तो इमीडिएटली देखने को नहीं मिल रहा है, पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे के दिनों में शायद ये इसका बेनिफिट राजकोट के रियल एस्टेट को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या होगा? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। बाहर राजकोट की जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहाँ पे एक बेडरूम, दो बेडरूम, तीन बेडरूम, दो बेडरूम तक के फ्लैट्स आप ले लीजिए जो अफोर्डेबल की कैटेगरी में आ सकते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पर वो और अगर लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाए हमारे पास में तो और अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम दे सकते हैं। दूसरी एक बात है कि जैसे टीपी स्कीम की बात कर रहे थे, तो हर टीपी स्कीम में जैसे आपने बताया कि स्कूल या ऐसे प्लॉट्स रिजर्व रहते हैं, उसमें एक रिजर्वेशन ऐसा होता है EWS या तो ACWS, माने कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हाउसिंग। अगर ये लैंड्स जो अथॉरिटी के पास है वो प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में अवेलेबल हो, तो हम ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये घर दे सकते हैं लोगों को। मुमकिन है सर? बिल्कुल ये मुमकिन है, और अभी तो 3 प्लॉट है उस पे वी आर इनिशिएटिंग ऑल दिस EWS स्कीम्स, और वो PPP मॉडल पे भी करने की कोशिश हम कर रहे हैं, सो देर आर एम्पल चांसेस फॉर देट टू। ओके, लेते हैं यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे कि किस तरह से राजकोट शहर की तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती है अगले कुछ सालों के दौरान। आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया राजकोट में, और हम बात कर रहे हैं राजकोट कैसे एक भविष्य का शहर है जहां पर कारोबारियों निवेशकों के लिए शानदार मौके हैं। हमने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के बारे में काफी सारी बातें कही, लेकिन जब बेसिक चीजों की बात आती है तो ऐसा कहा जा रहा है, हमने जो अब तक बातें की है तमाम एक्सपर्ट से, कि मुंबई के मुकाबले शायद 20% बारिश होती है यहाँ पे, लेकिन अगर बारिश थोड़ी भी हो जाए तो पानी भरना तय है, क्योंकि गुजरात शायद बहुत सारी चीजों में आगे है लेकिन जो बेसिक ड्रेनेज सीवरेज फैसिलिटी है उसमें काफी पीछे है, और ये भी बताया जा रहा है कि पीने के पानी की दिक्कत काफी हद तक बनी रहती है। तो ये बेसिक चीजें किस हद तक आने वाले सालों में और बेहतर होने वाली है, हमारे साथ एक और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर व्यास मौजूद है। व्यास साहब, अगर आप हमें एक अंदाजा दें इन दो चीजों के लिए क्या किया जा रहा है राजकोट में और क्या आपकी एक टाइम लाइन होगी? आप जो बात कर रहे हैं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो पिछले कई सालों से
रेनफॉल कम हो रहा है इसलिए उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, और जो भी पानी आता है रेनफॉल आता है वो कन्वीनियंटली निकल जाता है नदी के रास्ते से या और कोई रास्ते से, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना अगर आप कंपेरिजन करें मुंबई से, तो उसके हिसाब से तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप अगर उसके लिए हम इन्वेस्ट करें काफी फिर से वो रास्ते बना दे उसको ड्रेनेज करें, उसके उसके सिवाय और काफी रास्ते हैं जो हम कर रहे हैं। तो रेनफॉल के बारे में राजकोट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे लगता है। ड्रेनेज है, जो आप ड्रेनेज की बात करें ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी में है तो वो प्रॉब्लम नहीं। और पेरिफेरल एरियाज जैसे कि हमारे पेरिफेरल एरिया में नहीं है सर्विसेज, ये सच बात है। लेकिन अभी जो रूड़ा का भी डेवलपमेंट प्लान है जैसे कोटवाल साहब ने बताया तो उसमें सारी डेवलपमेंट हो रही है और नए जो भी प्लानिंग है उसमें ये सारी चीजें हम ले रहे हैं। पीने के पानी की जो किल्लत है उससे आप कैसे जूझ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उसे दुरुस्त करने के लिए? वाटर स्कैर्स रीजन जरूर है लेकिन यहाँ की जो लोगों का भी माइंड सेट है वो भी पानी काफी बचाते हैं। हमें भी जो पानी मिलता है वो नर्मदा थैंक्स टू गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हम नर्मदा का पानी पी रहे हैं राजकोट में आज भी। तो जो पानी मिलता है लोगों को वो सेव करते हैं, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं कि पानी की बहुत स्कैर्सिटी है लेकिन पीपल आर वेल एट ईज, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, इट्स वेरी प्लेजेंट, कोई मैनमेड डिजास्टर भी नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी भी नहीं है, इट्स वेरी पीसफुल सिटी और सारी चीजें मिल भी जाती है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सारे मेहमानों का जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसके साथ ही हमारी ये शुरुआती चर्चा फिलहाल राजकोट शहर को लेकर पूरी होती है, लेकिन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और इसके बाद बात करेंगे राजकोट शहर के दूसरे तमाम पहलुओं पर और दूसरे उद्योग जो इस शहर में पनप रहे हैं उनका भविष्य कैसा है और वहाँ पर कैसा मौका है आपके लिए चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, राजकोट पर नज़र आपको क्यों रखनी चाहिए बताएंगे।